अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? उनके काम सब खेलिया चौके बैठक तो यार आज हम लोग क्या अपना एडमिट कार्ड लेने, और ये हमारे साथ हमारे दोस्त हैं उसामा भाई। अभी मैंने हम लोग पहले एक बार थोड़ी जा चुके हैं, लेकिन हम फार हो गए क्योंकि हमारे को पता नहीं था ना कि क्या क्या लेके जाना है। अभी हम दोबारा से घर आए, दोबारा से हम कॉलेज जा रहे हैं एडमिट कार्ड लेने, फिर देखेंगे हमारा बोर्ड कहाँ पड़ा है, फिर पेपरों में भी जाएंगे उधर। और ये यहाँ पे सारे रोड खोदे हुए हैं क्योंकि गैस की पाइप लाइनें डल रही हैं ली मार्केट वाले रोड पे, जिस वजह से यहाँ पे बात बात पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रकों को यहाँ वहाँ से गुजरना होता है, बीच में आ जाते हैं रिक्शे वाले भी, बीच में आ जाते हैं और सब बीच में आ जाते हैं, कोई भी अच्छा नहीं है। और अभी हम लोग अपने कॉलेज के बाहर पहुँच चुके हैं। भाई जरा लिखा हुआ है मोहम्मद और मोहम्मद। हम लोगों ने अभी इधर से एडमिट कार्ड रिसीव कर लिया है और हमारे को तो बहुत हैरानगी हो रही क्योंकि हमारा सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट उसमें पड़ गया, स्ट्रिक्ट कॉलेज में एसटी पैट्रिक्स में पड़ गया। हमारा जो प्राइवेट कॉलेज है मतलब हमारी सही वार्ड लगेगी हमारे। तो अभी हम लोग अपने कॉलेज से निकले हैं और अभी हम लोग अपने सेंटर का पता करने जा रहे हैं, उसी सेंटर में जा रहे हैं, रूम नंबर क्या है और किस तरीके का वो सेंटर है, क्या होगा वहाँ पे, ये सब इंफॉर्मेशन लेने जा रहे हैं। और ये हमारे उसामा भाई बैंक के ला रहे हैं वहाँ पे, भाई सदर में पड़ा है यार बोर्ड एसटी पैट्रिक्स प्राइवेट कॉलेज। यार हम लोग पिछले आधे घंटे से बाहर हो रहे हैं अपना सेंटर ढूंढ रहे पर हमारे को मिल नहीं रहा, कोई बोल रहा इधर जाओ, कोई बोल रहा उधर जाओ, कोई बोल रहा उधर जाओ, ऐसे ही हम लोग परेशान हो गए। अभी एक चाचा से हमने पूछा, बोल रहा आगे जाओ आगे है बिल्डिंग के पीछे, अब वहाँ जाके देखते हैं है या नहीं। तो ये अभी हम लोग अपने कॉलेज में आ चुके हैं लेकिन ये हमारे को एंटर नहीं होने दे रहे, बोल रहे जिस दिन पेपर है उस दिन आना, मतलब हमारी आधे घंटे की मेहनत हमारी चाय हो गई, मजा आएगा पेपर। तो अभी हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने एडमिट कार्ड को प्लास्टिक कोटिंग करवाने और उसकी फोटो कॉपी भी करवाएंगे, तो उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो भाई साहब ये घर के पास पहुँच के हमारे ये साहबजादे को याद आए कि हमने उर्दू बाजार भी जाने, इसके नोट्स चेंज करवाने। अभी हम दोबारा से उर्दू बाजार जा रहे हैं इतने दूर, मतलब अभी आप लोग समझ ले घर के पास बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता था घर से, और हम लोग अभी उर्दू बाजार जा रहे हैं दोबारा वापसी में। फ्रेंड्स कॉल दोबारा से हाथ आया पर मुंह ना लगा। तो भाई अभी हम लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए रुके थे, यहाँ पे लोगों ने मतलब हीट स्ट्रोक से बचने के लिए एक फाउंडेशन लगाया हुआ है, इसमें जो ठंडा पानी और शरबत दे रहे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं चौक पर। तो उर्दू बाजार का हमारा काम हो चुका है, प्लीज़ आप लोगों को हमारे छोटे से मिली ब्लॉग को मजा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नए ब्लॉग का इंतजार रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।